तो गाइस सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लो। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना पेटीएम वॉलेट यहाँ पर आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा दूँ। मैंने एक एप्लीकेशन के अंदर हैक्ट्रिक का यूज किया, जिसके कारण मेरे को कितनी बार यहाँ पेमेंट रिसीव हो चुका है आप लोग देख ही सकते हो। गाइस मैंने कमाल की हैक्ट्रिक बताई, जस्ट साइन अप एंड रिडीम करना आज की वीडियो से, दो लूट बताई कमाल की, तो वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा। तो आ गए कैसे गाइस, फिर से एक वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो फिर से एक धमाकेदार होने वाला है, दो गजब की लूट लेकर आया हूं आज की वीडियो में तो यार, जिसमें आप लोगों का इंस्टेंट प्रॉफिट होने वाला है भाई। दोनों के अंदर जस्ट आपको कुछ नहीं करना, एक जो शुरुआत की लूट है उसमें भाई आपको 30 सेकंड वेट करना, उसका आपको इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा। और जो सेकंड लूट है उसमें जस्ट साइन अप करना और आपको इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा पेटीएम वॉलेट के अंदर। ऐसी कमाल की दो एप्लीकेशन के हैक लेके आया आपका भाई, तो वीडियो में अंत तक देख लीजिएगा। स्वागत करता हूँ भाई, आज की वीडियो अभी भी बहुत मजेदार होने वाला है, क्या ही बताओ भाई साहब, इतना तगड़ा लूट बचाने वाला आज की वीडियो से आप लोग। भाई सुबह से मैं टेलीग्राम पे पहली लूट तो दे दी थी, लोग लगातार लूटे जा रहे तो मेरे को लगा भाई यूट्यूब वाले के पीछे हो जाए भाई, तो जाके बस पूरा वीडियो वॉच करना और दबा के लूट लेना और प्रवीण प्रूफ टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा बातें करते हुए लाते हैं इसको अपनी तरफ, ले फिर आ गए, देख लो इधर कुछ आ चुका है, दिख रहा है ना, देख ले, अच्छी ऐसी चीज आ गई, मतलब स्किन आ चुकी है, ठीक है। एक हम्बल रिक्वेस्ट हर बार की तरह मेरी आपसे रहती है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई किसका वेट करो, इसको जाके प्लीज जाके ज्वाइन करो भाई, लिंक दे रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम जाओ एच के हैकर सर्च करो, ज्वाइन कर लो भाई। ऑलरेडी 17,000 लोग ज्वाइन है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो और फटाफट करो यार, क्यों माता पच्ची करवा दे, ये चीज़ें आप लोगों का काम होना चाहिए, क्योंकि आपका भाई आपको लूट सबसे पहले यहीं प्रोवाइड करती है। फर्स्ट लूट मैंने यहाँ सबसे पहले प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। आज इस ऐप के बारे में बता रहा हूं, जो फर्स्ट लूट है वो कैंपेन लूट, कैंपेन लूट लूट के लगाने के लिए करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अगर आइसलैंड आपको डायरेक्ट हैट्रिक बता दो, देखो आइसलैंड डाउनलोड कर लेना, उसमें सेटअप वगैरह कर लेना, सेटअप करना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि भाई जो कैंपेन अगर आपने पहले ऑलरेडी करके रखा होगा तो आप आइसलैंड का यूज करना, जो आइसलैंड का मोड पे टेलीग्राम में दूंगा वहां पर जाकर जिसमें थोड़ा बहुत सेटअप करेगा, मतलब कि आपसे गूगल आईडी पे मतलब साइनिंग वगैरह करना होगा, वो करके आपको क्रोम ब्राउजर इसके अंदर ओपन कर लेना। जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे गाइस, देखो फिर आपको बस कुछ नहीं करना है, ये जो सर्च बार होता है इस पर टैप करके आपने जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कैंपेन लिंक दूंगा उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ जैसे पेस्ट करोगे आपको बस मतलब कि सर्च पे टैप करना, सर्च पे टैप करने के बाद यहाँ से आपका पेटीएम नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट एक पेटीएम नंबर, आपको अपना खुद का पेटीएम नंबर इधर डाल देना है, जो आपका खुद का पेटीएम नंबर हो, ठीक है, वाला पेटीएम डाल के बस सबमिट पे टैप करना। जैसे सबमिट पे टैप करो एक दो मिनट वेट करना, भी आपको प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन देगा क्रिप्टो वेव, आपको इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल करके यहाँ पर फटाफट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल कर लिया, अब मैं जस्ट इसको ओपन करना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड वेट करना, ठीक है। जैसे आपको बस 30 सेकंड आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके रखना है, ऐसे ऐसे बस चला लेना 30 सेकंड, हो सके तो आप एक दो मिनट कर लीजिएगा, बट इसमें मिनिमम तो 30 सेकंड आप लोगों को करना ही करना, ठीक है। तो 30 सेकंड आप लोगों को वेट करना है, जैसे आप 30 सेकंड वेट करोगे आपको इंस्टेंट के अंदर 3 रुपीज का पेटीएम पैसा आपके जो पेटीएम नंबर डाला था आपके कैंपेन के अंदर उसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपनी पासबुक यहां टैप करता हूं मेरे दूसरे फोन में, इसलिए मैं दूसरे फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता रहा हूं। जैसे देखो मैंने दूसरे फोन में आया, देखो इंस्टेंट के अंदर 3 रुपए मेरे को मिल गया, मैंने मतलब कि यहीं पे मैं 3:10 पे लगाई थी ट्रिक और 3:10 पे ही मेरे को रुपया मिल गया। देखो 3 रुपए एकदम इंस्टेंट मिल गया, अनलिमिटेड टाइम कैसे करना मैं आपको बताता हूं। आपको बस कुछ नहीं करना, आइसलैंड के अंदर जाना है, आइसलैंड जो आपका ऐप है उसका कर देना, मतलब क्लियर डाटा कर दो, ठीक है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो। डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस से सेम टू सेम कोई न्यू जीमेल ऐड करके फिर से आपको कैंपेन लिंक कॉपी करनी। जैसे आपको बताओ आइसलैंड में आना, 3 डॉट दिखेगा, सेटिंग दिखेगा, मतलब 3 डॉट पे टैप करके सेटिंग में टैप करना, स्कोप सेटिंग का ऑप्शन आएगा, फिर नीचे आपको मेनलैंड है आइसलैंड, आइसलैंड पे टैप करना, नीचे आना है डिस्ट्रॉय का ऑप्शन आएगा, और आपको जैसे डिस्ट्रॉय पे टैप करना आपको 3 से 4 बार डिस्ट्रॉय करते, डिस्ट्रॉय करते ही आप लोगों को पूरा खत्म हो जाएगा आइसलैंड। फिर से आपको वापस रेलवे मतलब वापस से यही की यही ट्रिक लगानी बार बार, ठीक है। ऐसे करते करते आप लगातार अनलिमिटेड टाइम एक ही पेटीएम नंबर पर 3-3 करके लूट सकते हो भाई। यूजर का प्रूफ आया टेलीग्राम में, जो सेकंड लूट है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जस्ट इसको डाउनलोड करना है, विंजली ऐप का नाम है, इसमें रजिस्ट्रेशन आप ऑटोमेटिक कर लेना भाई, फालतू में आपको चूसूंगा नहीं। जैसे आप इसको डायरेक्शन करते हो, देखो दोस्तों आपको यहाँ रिवार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ आपको दो स्क्रेच का मिल जाएंगे साइनअप करते हैं, लेकिन आपको मैं इसकी डायरेक्ट अनलिमिटेड ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इनवाइट एंड अर्न में आना, आपका रेफर कोड मिलेगा उसको निकाल लेना है, उसको निकालने के बाद आपके अगर आपके पास एमआई का डिवाइस, तो आप जो डुअल ऐप होते हैं ना एमआई के डिवाइस के अंदर आप उसका यूज करते हो, डुअल ऐप में आना है, उसके अंदर अगर आपका एमआई का डिवाइस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो भाई साहब, आप ऐप क्लोनर बहुत एप्लीकेशन है डू मल्टीपल से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं तो भाई मेरे अंदर एमआई का फोन है मेरे दोस्त का, तो भाई मेरे उसने तो भाई डायरेक्टली इसका क्लोन बना लिया, ठीक है, मतलब कि डुअल ऐप बना लिया। अब उसको बस आपको इसको एक बार ओपन करना, ओपन करने के बाद नीचे गेट लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इसको टैप करके अलाउ वगैरह मांगा, अलाउ वाला दे देनी है, फिर यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना, ओटीपी आएगा उसको ओटीपी को डाल देना, ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपका नेम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछेगी, बर्थ डेट पूछी जाएगी और एक रेफर कोड पूछा जाएगा, तो आपको ये सारी चीज डालनी है। बट रेफर कोड जब डालो तो ध्यान से रखना, आपको आपका मेन अकाउंट का रेफर कोड ही पेस्ट करना, ठीक है, जो भी आपका मेन अकाउंट का रेफर कोड है, जैसे कि मेरा यहाँ रेफर कोड, मैं कॉपी पर टैप करता हूँ, कॉपी पर टैप करने ये देखो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ जैसे टैप मेरे हिसाब से भाई लिंक कॉपी हो रही है, ठीक है, आपको रेफर कोड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लिंक कॉपी हो रही है, मैंने बोला था
अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको जो रेफर कोड है वो इधर की तरफ बड़ा जो भी लिखा हुआ है ना रेफर कोड YXWEV जो भी है वो इधर लिख के यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। मतलब फटाफट से यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को, तो फटाफट से मैं भाई अपना रेफर कोड यहाँ पर लिख देता हूँ हाथ से, आप लोगों को ऐसे लिख लेना, कॉपी नहीं होगा। फिर साइन अप पर टैप करना, जैसे टैप करोगे आपसे पिन पूछा जाएगा, कोई भी जो पिन याद रख सको वो वाला पिन डाल देना। डालने के बाद आपको बस आपको ओपन हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ से आपको अमाउंट पूछ जाएगी, तो आपको यहाँ कितनी भी अमाउंट डाल देनी है, 50,000 डाल दें, 50,000 डाल दिया, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपका वापस से कुछ अमाउंट पूछा, तो आपको कुछ भी एक अमाउंट रैंडमली अमाउंट दे देने, जैसे 20,000 डाल देते हो, 20,000 डाल के माय स्कोर पे, सी माय स्कोर पे टैप करते हो, जैसे टैप करते हो देखो मेरा स्कोर आ चुका है, क्लेम मेगा रिवार्ड पे टैप करते हो, जैसे क्लेम मेगा कैश रिवार्ड पे टैप किया मैंने, और यहाँ मेरे ऊपर से मैसेज आ चुका है, मेरे को एक भाई साहब यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिल चुका है ऊपर, देखो दोस्तों मैं आ गया हूँ उसी एप्लीकेशन के अंदर, ना देखो एक स्क्रैच कार्ड मिल गया, मैं जिसको जैसे स्क्रैच कार्ड मेरे को 2 रुपये मिल गए, इंस्टाग्राम बस साइनअप किया ना उसके बदले 2 रुपये मिल गए आप लोगों के सामने, ठीक है। अब मैं एक दो स्क्रैच कार्ड और साइनअप पे मिलेंगे आपको, रिवार्ड वाले सेक्शन में आना, आपको दोनों स्क्रैच कार्ड मिलेंगे, जैसे मैं इन दोनों का स्क्रैच किया, एक में मेरे को 2 मिले, एक में मेरे को 3 मिले, और एक में बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जैसे ये करते हो फिर आपको चैलेंज वाले ऑप्शन आना, आपको यहाँ 3-4 चैलेंज मिलेंगे, जैसे 2 दिन का एक चैलेंज मिलेगा आपको, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, जितने भी चैलेंज हो सबको एक्सेप्ट कर लेना, फिर आपको 2-3 दिन बाद उसको वापस से ओपन करूंगे तो आपके वापस से स्क्रैच कार्ड मिलेंगे उसके बदले, ठीक है। वापस आप जैसे स्क्रैच करोगे ना गाइस, फिर आपको बस पेटीएम नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, उनको आपको डायरेक्टली विड्रॉ करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये मेरा देखो ये मेरा न्यू अकाउंट आप लोगों को बता दिया था मैंने, ये वाला मेरा पुराना वाला अकाउंट है, इसमें देखो एक स्क्रैच कार्ड मिल जाना चाहिए, बस मैं इसको क्या करता हूँ पहले तो इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करने के बाद वापस से जो विजली ऐप है इसको वापस से ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं वापस इसको परमिशन मतलब कि आप ओपन कर लेते हो, देखो मेन अकाउंट अपना ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर अपना विजली ऐप का, जैसे मैं अपना मेन अकाउंट ओपन करता हूँ यहाँ पिन वगैरह पूछा, पिन वगैरह डाल, देखो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे को रेफर कोड मतलब स्क्रैच कार्ड मिल चुका, मैं जैसे इसको स्क्रैच करता हूँ बूम आप लोगों को सामने 10 रुपीज़ मेरे को मिल गया गाइस, डायरेक्ट 10 रुपीज़ मिले मेरे को एक रेफर बाईपास के, बस मैंने एक रेफर बाईपास किया उसके 10 रुपीज़ मिले। जब मैं देखो रिडीम एक गोल्ड पे टैप करूंगा, जैसे टैप करूंगा यहाँ से मुझे पहला पिन मतलब पिन कोड पूछा जाएगा मेरे एरिया का, तो मैं अपना पिन कोड डाल दूंगा जो भी आपके 6 डिजिट का होगा वो डाल के आपको एक्सेप्ट करना है, जैसे आप उस पर टैप करते हो, जैसे एक्सेप्ट पर टैप करते हो गाइस वो आप लोगों को यहाँ पर उसके मतलब कि आपको है ना यहाँ 10 रुपये का जो भी 14 रुपये का गोल्ड आपको मिल चुका है। अब बस आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर, आपको बस यहाँ पर देखो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से विड्रॉ पर ऑप्शन टैप करना है, विड्रॉ ऑप्शन टैप करने के बाद आप लोगों के पास जितना भी आपको गोल्ड मिला है जितना भी जगह 0.0027 मेरा गोल्ड मिल गया है, ठीक है। आपको पहले तो गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो रिवार्ड मनी होगा उसको आपको गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद आपको जितना भी गोल्ड मिला वो यहाँ पर सेल कर देना है। जैसे आप सेल करते हो, जैसे देखो मैं अभी यहाँ सेल ही कर रहा था, मेरे को एक और स्क्रैच कार्ड मिल गया, ठीक है, तो मैं इसको बाद में देख लूंगा भाई साहब, सेल नाउ पे टैप कर देता हूं, ठीक है। अब मैं बस ऐड यूपीआई पे टैप किया, ऐड यूपीआई पे टैप कर आपकी जो यूपीआई वो लिख देनी, फिर आपको बस कुछ नहीं करना, पेटीएम वॉलेट में लेने के लिए डॉट वॉलेट वॉलेट जो भी आपका पेटीएम नंबर है उसको लिखना, उसके पीछे लगा देना डॉट वॉलेट, फिर एट द रेट पेटीएम, ये बन गया आपकी पेटीएम वॉलेट की यूपीआई, ठीक है। जैसे ये सर लिखते हैं फिर आपको बस वेरीफाई पर टैप करना, वेरीफाई होती है आपको सेल पर टैप करना, फिर यहाँ पर कोई भी रीजन पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी यहाँ पर डाल देना, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी रीजन डाल दे, ऑथर में डाल देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ मैं ऑथर पर, कुछ भी आपको कुछ भी डाल देना, जैसे कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको सबमिट पर टैप करना, बूम आप लोगों का जो भी गोल्ड है वो सेल हो चुका है, आपने जिस यूपीआई पर दिया होगा उसके अंदर मतलब उसका जो गोल्ड का अमाउंट है जो पेटीएम कैसे वो आपको मिल गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो भी एंड के अंदर कि भाई मेरे को मिला ही नहीं मिला, ठीक है। देखो आप लोगों के सामने मिलकर के बताया 14 रुपीज का जो मेरे पास गोल्ड था मैंने उसको मतलब सेल कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको वापस दिखा देता हूँ गाइस, एक बार देखो यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पर देखो वापस होम वाले सेक्शन में जाता हूँ, थोड़ा नेटवर्क अगर स्लो है, ठीक है। मैं वापस रिवार्ड वाले सेक्शन में मेरे को एक स्क्रैच कार्ड मिला था, मैंने फर्स्ट रिडीम लगाया ना उसके कारण भी मेरे को एक स्क्रैच कार्ड मिला, वापस स्क्रेच किया, वापस 10 रुपीज़ मेरे को मिल गए। मतलब आप एक बार विड्रॉ भी लगाओ फिर से आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जैसे एक और स्क्रैच कार्ड मिल गया फिर से मैं उसको एक्सेस माई गोल्ड पर टैप कर देता हूँ, देखो रिडीम पर टैप करके एक्सेस माई गोल्ड पर टैप करता हूँ, ठीक है गाइस। देखो जैसे ऊपर भी लिखा आ चुका, ठीक है, एक्सेस माई गोल्ड पर टैप करता, जैसे टैप किया ये मेरे वापस से मेरे वॉलेट के अंदर जो भी मेरा ये बिजली का वॉलेट इसके अंदर फिर से ऐड हो जाएंगे, मैं फिर से इसको रिडीम लगा पाऊंगा। जैसे देखो आप लोगों के सामने सिर्फ एक रेफर बाईपास किया, 5-6 स्क्रैच कार्ड तो फोकट के मिलेगा मेरे को, बताओ दोस्तों आप लोगों के सामने, ठीक है। आपको देखो अब जैसे ये हो आपको सेविंग अकाउंट में आना, सेविंग अकाउंट में आने के बाद फिर से भाई आप वही सिंपल सिंपल प्रोसेस, पहले मैं अपना पेटीएम चेक करा देता हूं मेरे को पेमेंट मिला ही नहीं मिला, ठीक है। तो पेटीएम का अकाउंट ओपन किया, पेटीएम के अंदर ओपन करने के बाद में गाइस मैं फिर से यहां पर अपनी पासबुक को टैप करता हूं, पासबुक को टैप करने के बाद में आप लोगों को ये देखो जो भी 14 रुपीज़ का मैंने मतलब विड्रो लगाया था ना आपने एट द रेट डॉट वॉलेट एट द रेट पेटीएम वाले यूपीआई पे वो मिल भी चुका है, ठीक है। अब ये मेरा जो फेक अकाउंट बनाया था उसके अंदर मेरे को 2 स्क्रैच मिले थे, अब मैं उसको भी रिडीम लगा के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे तो मैं इसमें पूरा रिडीम लगा चुका हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सेविंग के अंदर पड़ेगी इसका देखो दो आपको अकाउंट वाले यहाँ पर पहले सेविंग वाले ऑप्शन में आकर दिखा दो, मेरे पास अभी 9 रुपीज़ के आसपास पड़े इसके अंदर फिर से, ठीक है।
अब इसको वीडियो में वाले कुछ करना, विड्रॉ का ऑप्शन टैप करना, टैप करना जितने के पास जितने रुपए का आपके पास गोल्ड है उतने रुपए, मतलब उतने जैसे मेरे पास 0 पॉइंट ऊपर लिखा आ रहा होगा आप देख सकते हो दोस्तों, आपको उतना गोल्ड होगा। बस आपको वापस वेरीफाई टैप करके आपने यूपीआई डाल के आपको सेल कर देनी, सेल करने के बाद वापस आपको यहाँ कोई रीजन पूछा तो आपको कोई भी एक रीजन डाल देना, रीजन डालने के बाद आपको उसी यूपीआई पे फिर से आपको गोल्ड पहुंचा दिया गया। वापस हमने पेटीएम अब के बाद मैंने अपनी यूपीआई डाली, एक यूपीआई देखो दोस्तों वापस मैंने अपनी यूपीआई अभी से मैंने यूपीआई डाली थी तो मैं पासबुक टैप करके आपको एक बार दिखा देता, कभी मेरा पेमेंट मेरे को मिला है नहीं मिला, 9 रुपये का 10 रुपये का आसपास लगाया था और आप लोगों के सामने बूम एक और बार मेरे को मिल चुका है, एक और बार मैंने रिडीम लगा के बता दिया। ठीक है अब देखो दोस्तों एक अकाउंट में मैंने 2 बार लूट लिया, मैंने अभी आप लोगों के सामने 30 रुपये से निकाल 25 रुपये से निकाल लिए। अब जो फेक अकाउंट में उसको भी ओपन करता हूँ, इसमें मेरे को स्क्रेच कार्ड मिला होगा इसको भी करता हूँ रिडीम पे रिवार्ड पर टैप करता हूँ, बूम आप लोगों के सामने देखो फिर से मेरे को भाई जो भी मेरे स्क्रेच कार्ड का मनी वो ऐड हो गया। फिर से मेरे पिन कोड पूछा जाए तो आपको कोई भी 6 डिजिट का कोड डाल डालते आपको इधर भी 14 रुपये का साइन अप बोनस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों अब इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सेविंग अकाउंट में आना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, विड्रॉ मतलब कि सेल गोल्ड पे टैप करना है, आपको जितने का गोल्ड मिलेगा ना इस रिवार्ड के बदले जितने का गोल्ड मिलेगा आपको वो गोल्ड टाइप कर देना, मैं जिसको मेरे को इस इतने का गोल्ड मिला है तो वो वाला गोल्ड टाइप कर दो, जैसे मेरे पास 14 रुपये पड़े तो मैं 14 रुपये इधर टाइप करता हूँ, फिर विड्रॉ का ऑप्शन टाइप करता हूँ, ठीक है या सेल का ऑप्शन आएगा सेल नाउ पर टाइप करता हूँ, या ऐड यूपीआई का ऑप्शन आएगा तो ऐड यूपीआई भी टाइप करता हूँ। आपको एक न्यू यूपीआई डालनी है, न्यू अकाउंट में न्यू यूपीआई डाल के आपको विड्रॉ लगाना है। ठीक है तो मैंने न्यू अकाउंट में न्यू यूपीआई डाल के विड्रॉ लगा लिया आप लोगों के सामने, और देखो ये मैं फोन पे ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें मैंने फोन पे की यूपीआई डाली थी। ठीक है तो मैंने यहाँ पर फोन पे ओपन कर लिया, फोन पे ओपन करने के बाद में मैं अपनी जो भी इसकी पासबुक होती है मैं इस पर टैप करके आपको दिखा देता हूँ, भाई चेक बैलेंस दिखा देता हूँ आप लोगों को कि भाई मेरे को इसके अंदर मिला ही नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ, ऊपर देखो मैसेज भी आ चुका है वैसे तो मेरे को। ठीक है अब देखो दोस्तों इधर भी मेरे को 14 रुपये एकदम इंस्टेंट रिसीव हो चुका है। ठीक है देखो मैंने आपको इतनी बार ट्रिक लगा के बता दी गाइस, देखो एक अकाउंट में आप अगर साइन अप करते हो तो आपको 3 स्क्रैच कार्ड मिलेंगे जिसके अंदर अप टू 14 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर एक रेफर करते हो तो आपको 10 रुपये पर रेफर मिलेंगे स्क्रैच कार्ड में। ठीक है और जो रेफर करोगे उस अकाउंट में एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जैसे आप फर्स्ट रिडीम लगाओगे। ठीक है दोस्तों मतलब 5-6 स्क्रैच कार्ड तो ऐसे ही मिल जाएंगे और आपको इंस्टेंट टू इंस्टेंट रिडीम दे रहा है ना, चाहो तो पेटीएम वॉलेट में भी ले सकते हो, पेटीएम वॉलेट वाली ट्रिक भी बता दी मैंने, अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक करो बस, साइन अप एंड विड्रॉल बताए कुछ नहीं बताया मैंने वीडियो के अंदर। ठीक है बस साइन अप एंड विड्रॉल लूटो, ठीक है दोनों लूट कमाल की जाप के दबा के लूट लेना और फुल शेयर करना मत बोलना टेलीग्राम में। ठीक है तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।